प्रदीप कुमार ठाकुर बिहार की राजनीति का वो सितारा जिसने 31 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और अपने काम की बदौलत एक अलग पहचान बनाई। ठाकुर के बेहतर काम और बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सितंबर 2020 में इंडिया टुडे और आउटलुक पत्रिका समूह ने इनकी स्टोरी को प्रमुखता से प्रकाशित किया। बिहार के दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ स्थानीय गांव और पंचायतों में लोगों से मुलाकात करते ये हैं भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता प्रदीप ठाकुर। पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर प्रतिदिन घर घर जाकर लोगों को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब इस महाअभियान में ठाकुर के साथ जुड़कर हजारों लोग काम कर रहे हैं। बेटियों के विवाह और उनकी शिक्षा को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना पर ठाकुर ने जिस तरह दिन रात काम किया है वह अद्भुत और बेमिसाल है। इंडिया टुडे में फोकस शख्सियत नाम से प्रकाशित पन्नों में इस बात का उल्लेख है कि प्रदीप ठाकुर को इस प्रकोष्ठ का प्रवक्ता नियुक्त किए जाने के महज एक महीने के उपरांत दरभंगा जिले में 28,000 और दूसरे माह में 40,000 से अधिक बेटियों के खाते स्थानीय डाकघरों में खुल चुके थे। यह सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को घर घर पहुंचाने के लिए प्रदीप ठाकुर ने स्थानीय मैथिली कलाकारों को साथ लेकर गानों के जरिए एक नई पहल की और YouTube पर अपलोड इन गानों को काफी लोकप्रियता मिल रही है। तीन दशकों से भी ज्यादा वक्त से भाजपा के साथ जुड़कर दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में दिन रात काम करने वाले प्रदीप कुमार ठाकुर की पहचान एक बेदाग और स्वच्छ छवि वाले नेता के तौर पर रही है। शायद यही वजह है कि मैथिली ब्राह्मण होने के कारण ये न केवल ब्राह्मणों में लोकप्रिय हैं बल्कि यादवों अल्पसंख्यकों अनुसूचित जाति जनजाति और सवर्णों पर भी इनकी गहरी पकड़ है। बिहार भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और दरभंगा नगर के विधानसभा प्रभारी प्रदीप ठाकुर साल 2001 से 2006 तक दरभंगा जिले के राघोपुर दक्षिणी पंचायत के मुखिया रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी द्वारा दो बार ठाकुर को दरभंगा जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2013 के आसपास जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने आने लगा तो मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित प्रदीप ने नमो टीम बनाकर इस अभियान को आगे बढ़ाया और दरभंगा जिले में अपनी कड़ी मेहनत के दम पर लोगों के दिलों को छू लिया। पिछले कुछ सालों में हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में प्रदीप ठाकुर ने पार्टी प्रत्याशियों के हित में जो काम किए हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। 2014 के लोकसभा चुनाव में दरभंगा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने 35,000 मतों से जीत हासिल की। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर करीब 2,71,000 वोटों से जीते। ठाकुर उन दिनों दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी थे और इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार को करीब 36,000 वोटों से बढ़त मिली। पार्टी के प्रति 31 साल के समर्पण सेवा भाव और कड़ी मेहनत के बूते अपनी पहचान बनाने वाले प्रदीप ठाकुर के लिए अब इनके क्षेत्र में टिकट की मांग जोर पकड़ने लगी है। लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में मनीगाछी 2010 एवं 15 के चुनाव में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पार्टी से टिकट की मांग कर चुके प्रदीप ठाकुर को इस बार भी शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और इनके समर्थकों को प्रदीप ठाकुर पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान छे।